वेलकम टू साइनेडो। हेलो एवरीवन, आई एम किशन फ्रॉम साइनेडो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप ई टेंडर या ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन का जो बटन है वो आपको वहाँ पे शो नहीं होता है, या फिर आज जब भी आप ई प्रोक्योरमेंट या ई टेंडर की वेबसाइट पे डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर आपको शो नहीं होता है। उसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको ई टेंडर या प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पर डिजिटल सिग्नेचर या जावा से रिलेटेड कोई अदर्स प्रॉब्लम्स आती है तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ई टेंडर या प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, जैसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर शो होता है, एंड डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक लॉगिन बटन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने ई टेंडर या प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पर डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू लॉगिन करते हैं। कई बार वो लॉगिन का बटन आपको जो साइट पे है वो वहाँ पे शो नहीं होता है। उसको रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ई टेंडर या प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट जावा है वो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम में कोई भी पुराना जावा इंस्टॉल है तो सबसे पहले वो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, एंड अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे अनइंस्टॉल करने के बाद आपको जो लेटेस्ट जावा है वो डाउनलोड करना होगा। जावा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड जावा। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा, एंड यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना होगा Class 3 डिजिटल सिग्नेचर। जैसे आप Class 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्च करेंगे यहाँ पे वेबसाइट्स ओपन होंगी, एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट या सेकेंड पेज पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी साइनेडॉग के नाम से। यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी साइनेडॉग के नाम से। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको एक जावा मिलेगा जो डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टिव है, वो आप किसी भी साइट पे उस जावा को डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप साइट ओपन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जावा डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड जावा। जैसे आप डाउनलोड जावा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जावा डाउनलोड हो जाएगा, एंड जावा डाउनलोड होने के बाद आपको ये जावा अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। इस जावा के थ्रू आप अपने किसी भी वेबसाइट पे डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ कर सकते हैं। ये जो जावा है वो डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टिव है, किसी भी साइट के लिए आप इस जावा को यूज़ कर सकते हैं। जावा सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए जैसे आप जावा ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पे जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज का। यहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लोज का। सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लोज का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अभी आप ई टेंडर की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई टेंडर की वेबसाइट, ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट ओपन करनी है। मैं यहाँ पे आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो राजस्थान ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट का बता रहा हूँ। आप अपने स्टेट की ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सभी का प्रोसेस सेम है एंड सेम सेटिंग्स हैं, वहाँ से आप अपना ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। अगर आपका ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट नहीं किया आपने अभी तक तो आप यहाँ से आप अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बिड एनरोलमेंट का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड, एंड नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना ये कैप्चा एंटर करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, एंड लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइनिंग सर्टिफिकेट का। अगर आपने अपना डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है देन आपको यहाँ पे रजिस्टर में आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा, एंड अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है देन आपको यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना सर्टिफिकेट सबसे पहले रजिस्टर करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है देन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखेगा, एंड नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप अपना डायरेक्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट रजिस्टर करने के लिए जैसे आप साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जावा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन जावा का, यहाँ पे आपको जावा आपको रन करना होगा।
जैसे आप सक्सेसफुली जावा रन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो यूएसबी टोकन के अंदर जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको लगा के रखना होगा। एंड सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा डीएससी इज इनरोल्ड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली इनरोल होने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिव सर्टिफिकेट के अंदर आपका अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे शो होने लग जाएगा, उसकी वैलिडिटी शो होने लग जाएगी। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कई बार यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई होके आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने ई-प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे जो भी टेंडर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आप इस अकाउंट से यहाँ से लॉगिन करके आप कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट। तो इस तरह से आप ई टेंडर या ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे जो लॉगिन बटन का इशू है या फिर जो डिजिटल सिग्नेचर शो नहीं होता है उसके जो एरर है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है एंड आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी है और वो एक्सपायर होने वाला है एंड आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, तो वेबसाइट का URL आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ओपन करके डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। Till then, thanks for watching and have a nice day. Please subscribe to our YouTube channel and press bell button for the latest update and information.